के नजदीक अकाली दल बादल के दिवंगत सबका विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह कामों के घर अफसोस करने के लिए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और सुनील झाकड़ उनके पैतृक गांव दादी जोत पहुंचे। आइए देखते हैं इस मौके पर मीडिया से रूबरू होकर इन नेताओं ने क्या कहा। फतेहगढ़ चूड़िया से सूरज मसीह की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के पंजाबियत वास्ते हर पंथ वास्ते बहुत लंबा पैरा जिन्होंने दिता ऐसे परिवार दे कोल पहुंचे हैं और बहुत वड्डा ये घाटा पंजाब नू और पंजाब दे लोगों नू होया। कानू साहब का स्पीकर साहब का जाना एक राजनीति का अध्याय खत्म होया है जिस अध्याय दे सानी रहे जिसते उन्होंने उस इतिहास में देखा परख्या और वो उत्ते उन्होंने पहरा दिता। अज अफसोस आ कि शायद उस सोच के लोग ही अकाली दल दे विच नहीं रह गए जिहड़े सीगे वो इस दुनिया च नहीं रहे। इस गल का अफसोस है। पंजाब दे गैंगस्टर्स का जो हालात आ इलैक्शन के दौरान भी बड़ा किया मैनू बहुत इस गल की मैं बधाई दिना है कि पंजाब पुलिस ने एक इनकाउंटर करके इन गैंगस्टर का खात्मा करन दा काम शुरू किया है। पर मैनू इस गल उत्ते गोलियां लईयां ने भगवंत मान जी ने एक बार भी उन्होंने परिवारों लिए और उन्होंने वास्ते एक अल्फाज नहीं बोलिया। शायद उस वीडियो के अंदर हर पल इंतजार कर रहे होंगे उन्होंने परिवार के जी भी जिहड़े हस्पताल से भी शायद साढ़े भी बच्चों वास्ते कोई कुछ बोलेगा। इतों पता लगता है कि किस तरह इन्हों हर चीज़ चोरी करनी आती है। एक क्रैडिट भी चोरी करना आता है। पंजाब पुलिस की बहादुरी भगवंत मान जी चोरी कर अरविंद केजरीवाल चोरी करे चंगी गल नहीं है। और ये कहण कि असं ईमानदार हाँ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इस वेले पंजाब चा त्राई त्राई मची आ। रजिस्ट्रिया के चार चार गुणा पैसे हो गए कनैक्शन लवाउण जो चार चार गुणा पैसे। और हैरानगी की गल आ कि कभी भी जोड़ी करप्शन होंगी सी वो इस तरह नहीं देखी गई सी जितना यह सरकार चोरी है। आई देखा कल जो CBI का मुकदमा दर्ज होया है दिन दिहाड़े डकैती दिन दिहाड़े अपने व्डे व्डे साहूकार लोगों पूंजीपतियों अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब तो देश तो खड़ के ते दिल्ली शराब का काम दिता। मैं दसना चाहना कि दिल्ली शराब का काम सरकार करती सी सारी आमदन सरकार होंगी सी। हुण अरविंद केजरीवाल जी अपने मित्रों नू लैके गए और की कह रहे उत्थे कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे लोग ने ये बहुत ईमानदार है मेरे सारे दोस्त ये सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा कराएंगे। दसो अरे भी पूंजीपतियों नू शराब का काम दिता और उन्होंने पूंजीपतियों ने की किया सुन के हैरान हो गए। मैं पंजाब के लोगों को दसना चाहना 144 करोड़ रुपया एक नहीं दो नहीं तीन नहीं दस नहीं भी नहीं पाँ नहीं सौ नहीं 144 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पूंजीपतियों नू एक झटके अज तो 10 दिन पहला माफ़ करता। कहते नहीं इनका बनता नहीं इनको वापस कर दो। जाकड़ साहब एक होर कंपनी खाओ गली उन्हें 30 करोड़ रुपया जमा कराया शराब के ठेकों वास्ते और बाद पता लगा कि ब्लैकलिस्टिड कंपनी आ उहदे पैसे फॉरबिड होने चाहिए सी और उहदे नाल उत्ते पेनल्टी लगनी चाहिए सी। पर क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त ने की किया 30 करोड़ रुपया चक के खजाने च उन्हें वापस फड़ा दिता। हुण पुछदे ने जे सीबीआई इनक्वायरी शुरू हो गई पता की कहिंदे सी रोज़ टेबल ते हथ मार मार के कहिंदे सी कराओ ना सीबीआई इनक्वायरी कराओ ना। तुम देखो कालों साहब दे क्योंकि उन्होंने नाल जो स्पीकर सी विधानसभा च भी उन्होंने काम करने का मौका मिले अदरवाइज भी उन्होंने बड़ा आपसी जिस किस्म का सहयोग सीगा चाहे राजनीतिक साढ़े विचारधारा अड अड सी पर उन्होंने अकाल चलाने पर इतने आ के परिवार नाल दुख साझा किया इस करके अज इतने आने का सबब बने। जी डॉक्टर साहब सरकार अज गैंगस्टर के जेडे दोष ला रही है कि पिछलियां सरकारां दा कसूर ही। चलो दोष तो लगते रहेंगे सब दोष सरकार आपस एक दूजे ते छींटा कशी चलती रही है। पर एक गल मैं जरूर अज कहना चाहूँगा पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नू ते पंजाब दे सुपर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब नू भी औरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत इत्थे टंडोरा पिट रहे है सारे पंजाब के अंदर भी भ्रष्टाचार असी निबेड़ देना है जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन
ते दिल्ली मॉडल का जिहड़ा इत्थे लै के आए एक्साइज पॉलिसी अज उन्हां दे उत्ते सीबीआई दी इनक्वायरी जो कुछ उत्थे चल रही है। मेरी एक बेनती है कि पहला आप दे पीढ़ी दे हेठां सोटा मार के देखण केजरीवाल साहब एवें ना, चाहे अज मैं कांग्रेस पार्टी च नहीं पर मैं समझदा भी सारे कांग्रेसियों का उन्होंने सुकने पा रखे है। रोज़ कह दें मैं या तो कोई कार्रवाई करके दिखाण कोई है पुख्ता करन, पहला अपना घर सही करन, आ सबूत देन भी जो कुछ भी एक्साइज पॉलिसी नूं लैके जिहड़ी सारियां गल्लां सरसा साहब ने दिल्ली वाली जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी की पोल खोली सी चंडीगढ़ आके जदों इन्होंने जिस दिन विधानसभा च लैके आए है उस दिन इन्होंने सारियां गल्लां उहदी पोल खोली सी। अज वो सारे का सारा देना इन्हां नूं देना पऊगा। पंजाब दे लोकां दे अखां च घटा ना पाण, पहला दूजे जिहड़े सीगे कोई पंथ दे नां ते पंजाब नूं लुट के लै गया ते अज कोई जिहड़ा है करप्शन दे नां ते लोकां दी अखां च घटा पाणा बंद करे। पंजाब दी गल करो, पंजाबीयत दी गल करो, पंजाब नूं अगे किवें लै के जाणा उहदी गल कोई करी नहीं जांदे ते ढिंडोरा पिटी जांदे है। अपना आप देखण, पहला आईना देखण, उहदे बाद किसे ते छींटाकशी कर। लगातार अकाली दल च बगावत हो रही है, मैं समझदा भी समझदार आदमी नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा है। बादल साहब बहुत पहला समझ गए सी पर मैं उन्हां दी मजबूरी समझदा भी त्रिराष्ट्र वाली पोजीशन अज उन्हां दी बनी खड़ी है। पुत्र मोह दे अंदर आके एक पंथक पार्टी है ते पंथ दी रखवाली दे तौर ते इहनूं पंथ दा चाहे साडे राजनीतिक विरोध रहे, मैं पहले दिनों मन्निया भी जिहड़ी अकाली पार्टी है उह संघर्ष ते कुर्बानियां च निकली हुई पार्टी है। लीडरशिप के अंदर दोष हो सकता, पार्टी की पॉलिसी के अंदर कोई किसी किस्म का उन्होंने जिस सोच न अकाली दल की होंद आई सी उस कोई फर्क नहीं, पर लीडरशिप चेंज की अज मंग है। तो मैं समझदा समा जा रहा है, बाइजत जाणगे या बाक सीट जाणगे, जाना पऊगा क्योंकि पंथ जड़ा है इस गल नूं स्वीकार नहीं करना। पंथ किसी परिवार की बपौती नहीं, पंथ के उत्ते जिहड़ा पंथ की रखवाली कर सकता है वह बंदा ही कामयाब होगा, उन्होंने ही लोग स्वीकार करेंगे, बाकी समय दी गल्लां तो होगा। जगत साहब चर्चावां ने कि काफ़ी तो मैं कुछ कहना आई एम नॉट कंपीटेंट, मैं तो आप अजे जुमा दो महीने नहीं हुए, ये वास्ते मेरे तो पुराने लीडर खड़े है बीजेपी के, उन्होंने गल